गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में आज एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। तो वो टॉपिक है आज अपना साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब समद्विभाजक हमने इसी लास्ट वाले वीडियो के अंदर मीडियन के बारे में पढ़ा है। उसे वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जो मीडियन से पहले पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये कोई ट्राइंगल ले लीजिए, अगर उस ट्राइंगल का अपने पास एंगल बाइसेक्टर में कि इस एंगल का अगर मिड पॉइंट है तो वो एक ही पॉइंट इस लाइन पे हो सकता था। यानी ये अगर 60 है तो ये कितना हो सकता है, 30 30 हो सकता है। इसके अलावा अपने पास इसका जो बीच का बिंदु है यानी इसकी 30 30, इसको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर यानी इसको हाफ करने वाला कोई बिंदु नहीं था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ रहे हैं। तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो, ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से भी ये एक लाइन हो सकती है, यहाँ से भी एक लाइन गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से गुजर सकती है, यहाँ से गुजर सकती है और यहाँ से भी गुजर सकती है। यानी एंगल बाइसेक्टर था, यानी इसका जो एंगल बाइसेक्टर करने वाला एक ही लाइन होती है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाती है, अनंत लाइन हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया है कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये इसीलिए आता है कि साइड परपेंडिकुलर यानी लंब समद्विभाजक होना। हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ए बी सी, इसका नाम रख दिया ए बी सी, और यहाँ से लंब समद्विभाजक ये बिंदु एम है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यहाँ से इसको ये साइड एन है और ये इक्वल है, और यहाँ से सी से करेंगे तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, इसका नाम आर रख देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भुजा को लंब भी 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और समद्विभाजक इस साइड को भी समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री का भी एंगल बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का। जहाँ भी इसका साइड परपेंडिकुलर सेक्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस बिंदु का नाम है वो सरकम सेंटर यानी परिवर्त रखा गया है, सरकम सेंटर रखा गया है यानी परिवर्त। अब ये बिंदु जी है वो क्या है, परिवर्त है, और परिवर्त जितने इनके तीनों वर्टेक्स हैं उसे ये दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये दूरी इक्वल क्यों होती है ये भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये दूरी आर है तो ये दूरी भी क्या है, आर है, और ये दूरी भी क्या है, आर है। ये दूरी आर है क्यों है, थोड़ा सा हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों इक्वल क्यों होती है। ये तीनों इक्वल हो गई तो इससे क्या खींचा जा सकता है, कि वर्त डिनोट किया जा सकता है जो तीनों वर्टेक्स से होते हुए निकलेगा। तो यहाँ से वापस देख लीजिए कि अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस वर्टेक्स से यहाँ पर परपेंडिकुलर हो इस साइड को समद्विभाजित करता है, इस साइड को भी समद्विभाजित, या 90 डिग्री को इस साइड को भी समद्विभाजित करता है। ये जहाँ तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम है सरकम सेंटर रखा है, उसका नाम है परिवर्त। और ये सरकम सेंटर है जो
तीनों शीर्षों से क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, उसकी दूरी का नाम लिखा है आर लिखा है, और यहाँ से एक इस ट्राइंगल के बाहर की ओर एक वर्त बनाया जा सकता है, और वो वर्त होगा वो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई तीन पॉइंटों से होकर एक ही वर्त बन सकता है, अगर दो और एक दो पॉइंटों से होकर अनंत पॉइंटों से होकर एक ही वर्त निकल सकता है, और दो पॉइंटों से होकर दो बिंदुओं से होकर अनंत है वर्त बन सकते हैं, और यहाँ भी एक अनंत। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई तीन पॉइंट है और उससे कितने वर्त गुजर सकते हैं या कितने वर्त बन सकते हैं, तो अगर तीन पॉइंट आए तो उसमें एक ही वर्त बनेगा, अगर वो तीनों बिंदु सहरेक हो तो उसमें तीन तीन बिंदु अगर सहरेक हो तो उसमें कोई वर्त नहीं बनेगा, अगर वो तीनों बिंदु सहरेक नहीं हो तो उसमें एक वर्त बन सकता है, अगर कोई दो बिंदु से और एक बिंदु से पूछे तो उसपे अनंत वर्त बन सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी जो जो सर्कल बनाया है और इस सर्कल की जो रेडियस है आर है, ये इक्वल है क्यों आती है, और ये हैं जो ये सर्कम सेंटर हैं वो तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो तीनों एक ही बिंदु पर क्यों इंटरसेक्ट करती है, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इससे पहले एक देख लीजिए, अगर हमने क्या पढ़ा था कि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, अगर इसका नाम एम दे दिया जाए, इसका नाम ए दे दिया जाए, इसका नाम बी दे दिया जाए, तो ये क्या होता है। देखिए, इससे पहले अपने आर इक्वल क्यों होती है वो प्रूव करने से पहले अपने देखते हैं कि ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का। ये अगर पूरी अगर ए है तो ये ए अपॉन टू, और ये भी क्या होगी, ए अपॉन टू होगी। तो यहाँ से इसको मिला दिया जाता है, यहाँ उसका नाम है वो एन रख दिया जाता है। अब देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये इसमें कॉमन आ रही है, तो यहाँ से देखिए ये दोनों ट्राइंगल हैं, ए एम एन और बी एम एन हैं, वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम अगर कोई ट्राइंगल होता है उसकी साइड होती है वो इक्वल होती है, तो ये साइड इक्वल होती है। यानी आप अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो और उस पर कोई बिंदु हो, वो दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर स्थित होता है, यहाँ से भी कोई बिंदु ले सकते हैं, तो वो क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है, यहाँ भी कोई बिंदु ले सकता है वो क्या होता है, इसके इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ भी देखो, ये कोई नहीं समझ में आया तो वापस समझ लीजिए, तो ये भी है अपॉन टू होगी, ये इसमें कॉमन आएगी, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर किसी चीज़ को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीन साइड प्रूव करनी होती है, तो ये साइड इसके, ये साइड कॉमन आ गई, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो ये एस ए एस साइड एंगल साइड नियम से ये क्या है, दोनों ट्राई एंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट है, यानी सर्वांगसम है। तो इससे हम अब आगे काम ये कर रहे थे भी कि कोई ट्राई एंगल है इसका यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अपने को ये प्रूव करना है यहां 90 डिग्री का, ये अगर ये इसका हाफ है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, इसका नाम है, इसका नाम एफ रख दिया तो इसका नाम ए रख दिया। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई बिंदु आए, वो जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है वो इसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। हमने एक लाइन मिलाई है और इस लाइन में से देखते हैं कि हमने ये अभी पढ़ के आए हैं कि ये और ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये वाई है तो ये वाई है, ये मिड पॉइंट है ये, और ये कॉमन आ रही है
और ये 90 है तो यहाँ भी क्या होगी 90 होगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे यानी सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम अगर कोई ट्राइंगल है तो उसकी संगत भुजा है वो इक्वल होती है, यानी इसका नाम एस रखे तो ए एस इज इक्वल टू है सी एस के। अगर यहाँ से ये और ये ट्राइंगल ले तो ये साइड अगर जेड है तो ये भी साइड क्या होगी, जेड होगी, ये इक्वल होगी। यहाँ से अगर ये कितना है, ये तो अपने को दिया ही नहीं है कि कितना 90 डिग्री का है या नहीं है, तो ये साइड ले लो। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, और ये क्या है दोनों में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों में क्या आ रहे हैं, उबेनेस्ट यानी कॉमन आ रही है, ये साइड और ये साइड, ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स है, तो ये ट्राइंगल है वो क्या है कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम है। तो यानी ये क्या हो गया ए एस इज इक्वल टू क्या हो गया बी एस, ए एस के इज इक्वल टू क्या है सी एस है। तो यानी ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ से देखिए ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये आर थी तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। यहाँ से देखिए अब अगर ये और ये ट्राइंगल ले तो ये साइड क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये साइड और ये साइड क्योंकि ये इससे प्रूव हो गई और ये इसमें कॉमन आ रही है, तो क्या आ गया एस एस नियम से ये ट्राइंगल क्या हो गया सर्वांगसम हो गए। तो ये एंगल अगर ए डिग्री है तो ये एंगल भी ए डिग्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ए प्लस ए टू एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए का मान आता है 180 अपॉन 2 आता है, एंगल ए आता है वो 90 डिग्री आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये अगर यहाँ टकराता है तो ये क्या है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसे आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको समझ में आया है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को बैक करके देखिए। तो देखते हैं आगे, हम आगे पढ़ रहे एक ट्राई एंगल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं एम ए बी सी। ये यहाँ पे 90, ये साइड इक्वल है, ये साइड ई है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और यहाँ पे सी एफ और ये साइड क्या है इक्वल है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, यानी ये क्या है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें देखते हैं कि ये साइड है, इसका नाम वो रख देते हैं। तो यहाँ देखिए बी ओ सी इज इक्वल टू होता है 2 ए के इक्वल होता है, अगर लिया जाए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होता है एंगल 2, या ए ओ बी है वो एंगल होता है 2 सी, यानी इसके इक्वल होता है ये साइड। ये साइड ले लिया जाए, अगर ए ओ सी ले लिया जाए तो वो होता है बी के इक्वल, ए ओ सी है वो इसके दुगना होता है। तो ये देखिए कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स से पढ़ेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के अंदर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस चैनल पर जो भी बात पढ़ेंगे हम पूरी बेसिक से पढ़ेंगे, क्यों कैसे आया, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर अगर हर क्वेश्चन के अंदर क्यों आने लग जाए तो वो ज्योमेट्री में इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्यों आया है ये, अगर आपको अगर ये एंगल 110 डिग्री का दे दिया जाए तो ये एंगल कितना होगा, या अगर यहाँ 110 डिग्री का दे दिया जाए तो ये एंगल 55 का होगा, कैसे होगा, अगर ये एंगल 100 का दे दिया जाए तो ये एंगल है वो 50 का होगा। तो देखते हैं क्यों कैसे हुआ था। हमने क्या है अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ गया, ये आर थी तो ये भी क्या होगी आर, ये भी क्या होगी आर होगी। अगर ये आर है तो सम्मुख अंतःविमुख कोण है,
अंतः अभिमुख कोणों का योग है वो बहिष्कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्या है? ये है एक्सटेरियर एंगल। तो ये देखो, सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल का नाम है बी ओ एम इजिकल टू एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। ये एंगल एक्स है और ये भी एंगल क्या है? एक्स है। जैसे कि बी ओ एम यानी एक्सटेरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल बाय अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्या आ गया? बी ओ एम इजिकल टू आ गया 2x। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। यहाँ से ये आ रहे हैं तो ये भी आ रहा है। कोई भी ट्राई एंगल के अंदर अगर सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो सम्मुख कोण बराबर होता है। ये कौन सा ट्राई एंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राई एंगल हो गया। यानी ये क्या है? अगर y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो ये क्या हो गया? सी ओ एम, सी ओ एम इजिकल टू एंगल y और एंगल y सी ओ एम इजिकल टू 2y। ये इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड का अगर ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो बी ओ एम और सी ओ एम इतना और इतना मिलकर बी ओ सी बन जाएगा। बी ओ सी इजिकल टू ये हो जाएगा 2x प्लस ट्वाइस एंगल y। ये क्या हो गया? बी ओ सी इजिकल टू 2 क्या ले लिया, इसमें कॉमन आ गया एंगल x प्लस एंगल y। यहाँ से देखिए, ये एंगल x था और ये एंगल y है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो ये एंगल बन जाता है a। तो ये क्या हो गया? एंगल a। हम यही बात पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इस जो शीर्ष पर जो कोण बनता है उसके ये दोगुना होता है। ये बात क्यों कैसे आई है इस बात का भी हमने डिटेल से पढ़ा है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन पढ़ा जाता है। अगर आपने अगर इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको ये बातें आने वाली नहीं हैं। तो देखिए, हमने इससे जो पहले जो वीडियो पढ़ा था, जो इन सेंटर में जो एक अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया था, उस ड्रॉ के हमने रेडियस निकाली थी और यहाँ पे एक ट्राई एंगल के बाहर एक हमने क्या ड्रॉ किया है, सर्कल ड्रॉ किया है। उस सर्कल की रेडियस देखते हैं कैसे आती है कैसे नहीं है। हम एक ट्राई एंगल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ए बी और सी। यहाँ से इसका एम, ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड है एन और ये साइड है, यहाँ पर ओ आ गया, ये साइड आ गई वो एस आ गई। अब अपने को ये है कि इसकी रेडियस आर का मान निकालना है। कैसे? हमने ये पढ़ा था कि ये साइड है, ये इसके इक्वल होती है तो ये पूरी साइड ए होती है। जो इसे पहले जब वीडियो पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ये कितने आ गई? ए अपॉन टू आ गई। ये साइड कौन सी आ गई? बी आ गई, सॉरी सी आ गई, सी के जर सामने वाली। और ये साइड कौन सी आ गई? बी। हमने अपने को अगर रेडियस चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ए बी सी अपॉन फोर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। अब अपने को यहाँ से ये बात, हम यहाँ से ये बात पढ़ेंगे कि ये r इजिकल टू ए बी सी अपॉन फोर है कैसे आया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस चैनल पर पूरी की पूरी बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे आया। हम ट्राई एंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 b इंटू सी इंटू साइन ए लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो यहाँ से साइन ए का मान वो कैसे, साइन ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 इजिकल टू बी इंटू सी इंटू ए अपॉन टू। अब आपके दिमाग में होगी साइन ए इजिकल टू ए अपॉन टू आर मैंने कैसे रख दिया, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये क्या आ गया? ए एरिया। ये आ गया ए बी सी,
क्योंकि ए एरा बी एरा सी एरा अपॉन में क्या आ गया फोर इंटू आर, ये टू इंटू टू फोर हो गया आर। अपने को आर की वैल्यू चाहिए तो आर इस साइड मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आर इजिकल टू क्या आ जाएगा ए बी सी अपॉन में क्या आ गया फोर एरिया। यहाँ से ये डेल्टा का चिन्ह दर्शा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी दर्शा रहा है कि साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से अपने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया कैसे। अब आपके दिमाग में आया है कि ये a अपॉन टू आर है वो कैसे रखा है। आपने ये नियम पढ़ा होगा कि a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c इजिकल टू टू आर। अगर ये बात आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको इसमें पूरा का पूरा बेसिक बताने वाला हूँ कि ये बात कहाँ से कैसे आई। यहाँ से देखिए, अगर इस एंगल का नाम अगर एंगल ए है तो इस एंगल का क्या आएगा टू ए। इससे पहले हमने ये बात की थी कि बी ओ सी का मान है वो क्या आएगा एंगल टू ए आएगा। ये ट्राइंगल ये इक्वल हैं, ये इसमें विनिष्ट आ गई, ये इसमें 90 डिग्री का, ये कॉमन आ गई, ये इक्वल है ये 90 डिग्री का। ये दोनों ट्राइंगल क्या थे कॉन्ग्रेंट थे यानी सर्वांगसम थे। तो ये 2a पूरा अगर 2a है तो ये भी क्या है a है और ये भी क्या है a है। अब देखो मैं यहाँ से ये ट्राइंगल लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करना मैंने जो गहरा किया है। यहाँ से मैं देखता हूँ कि थीटा की जगह एंगल a है और ये क्या है 90 डिग्री के जर सामने r है वो क्या है हाइपोटेंस करण है और इसका परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर है वो क्या है a अपॉन टू है बेस है वो अपने को नहीं चाहिए। तो अपने साइन का रूल लगा रहे हैं, साइन के रूल लगाएंगे तो साइन a क्योंकि यहाँ एंगल a है साइन a इजिकल टू क्या होता है लंब अपॉन साइन a, लंब क्या है a अपॉन टू और यहाँ पे क्या है r है तो साइन a इजिकल टू a अपॉन टू आर। हमने ये बात हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरी विस्तार से भी पढ़ेंगे कि लंब लंब अपॉन कर्ण है, कोस के बराबर क्या होता है, साइन के बराबर क्या होता है, टेन के बराबर क्या होता है। तो हमने यहाँ क्या पुट किया था साइन ए की जगह ए अपॉन टू आर की वैल्यू पुट की थी। इसी प्रकार हम बी की निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम सी की निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अपना पूरा का पूरा क्या था बेसिक था। अगर अपने को परिवर्त है उसकी रेडियस निकालनी है तो वो क्या है ए बी सी अपॉन फोर। इससे जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो क्या है कि ट्राई एंगल है वो ट्राई एंगल के अंदर एक्यूट एंगल ट्राई एंगल के अंदर राइट एंगल ट्राई एंगल के अंदर और ऑप्टूज एंगल ट्राई एंगल के अंदर ये सर्कम सेंटर है वो कहाँ कहाँ बनता है। तो अगर हम लिया जाए कि एक्यूट एंगल ट्राई एंगल लिया जाए तो वो इसका ये 90 डिग्री का और ये इसका हाफ हो रहा है, ये इसका मीडियन आ रहा है और ये इसका मीडियन आ रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का यहाँ भी 90 डिग्री का। तो ये क्या आ रहा है इसका सर्कम सेंटर आ गया। अगर अपने को राइट एंगल ट्राई एंगल लिया जाए, अगर अपने को राइट एंगल ट्राई एंगल लिया जाए तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा वो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ से इस पर क्या नहीं आ सकता 90 डिग्री का नहीं आ सकता क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे ही है।
यहाँ से इस पे 90 डिग्री का नहीं बन सकता क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ पे है, तो ये क्या आ गया, अगर यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो इसका हाफ, यहाँ से इसका बिंदु क्या लिया, एम लिया, और इसका भी यहाँ से एम, और यहाँ से क्या आ गया, अब इसका क्या आ रहा है, मीडियन आ गया, सॉरी इसका बिंदु एम है वो क्या आ गया, सरकम सेंटर आ गया, ये इसका सरकम सेंटर है। ये इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कोई राइट एंगल ट्राई एंगल होता है उसके अंदर उसके हाइपोटेंस यानी कर्ण के ऊपर, कर्ण के मिड पॉइंट में इसका क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। अगर अपने को ये कहे कि ये साइड है वो फाइप है और इसका हाइपोटेंस फाइप है, तो ये साइड कितनी, 2.5 होगी। अगर अपने को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल दे दिया जाए तो और उसका पूछे कि सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो देखिए कैसे निकालते, इस साइड का मिड पॉइंट वो क्या बनना चाहिए, यहाँ से देखते हैं अपने, ये इसका यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से इसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से इसका हाफ करते हुए 90 डिग्री का एंगल, तो ये बिंदु आ गया, ये क्या आ गया, सरकम सेंटर आ गया। सर्कम सेंटर आ गया, राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल के अंदर है, वो सर्कम सेंटर है वो ट्राई एंगल से बाहर होती है, वैसे भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल होता है उसकी हाइट होती है वो ट्राई एंगल से क्या होती है, बाहर होती है। अगर अपने को एक राइट एंगल ट्राई एंगल दे दिया जाए और यहाँ इसका नाम दे दिया ए बी सी, और इसकी अपने को हाइट इसका नाम दे दिया एम, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये क्या है, साइड बाई परपेंडिकुलर, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था जब वीडियो स्टार्ट किया था कि ये साइड इक्वल आ गई, ये साइड इक्वल आ गई, ये 90, ये दोनों ट्राई एंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो गए यानी सर्वांगसम हो गए। ये अगर साइड आप 10 दे दी जाए तो ये कितनी होगी, 5 होगी, ये भी कितनी होगी, 5, और ये भी कितनी होगी, 5, क्योंकि ये साइड है वो इस साइड के क्या होती हैं, इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों ट्राई एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसकी वजह से जो इनकी संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अपने पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल दे रखा है उसका नाम है ए बी सी, ये बिंदु है डी है, और ये एंगल दे रखा है अपने को 60 डिग्री। यहाँ से ये कह रहा है कि ए डी इजिकल टू है 1/2 BC, ये क्या है BC/2 है, ये भी क्या है BC/2 है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे सॉरी 90 डिग्री नहीं है, अगर ये इसका हाफ है यानी ये अपने को दे रखा है कि D है इसका मिड पॉइंट है, ये अपने को ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, ये 60 है, तो कोई भी ट्राई एंगल होता है उसके जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 होता है, ये 60 60 120, और ये भी कितना हो गया 60, ये 60 होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो अपने को ये एंगल फाइंड करना है अपने को, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितना आ गया 120, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी क्योंकि BC/2 ये और BC/2 है, ये कितना है 120, तो दोनों एंगल बच गए वो 60 के बच गए, यानी ये कितने के आ गए 30 30 के आ गए, क्योंकि ये एंगल तो इक्वल आएंगे,
तो ये कितने आ गए 60, तो जो एंगल हम फाइंड कर रहे थे उसकी वैल्यू आ गई 30। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।